एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफ़ी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में आगे चला जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा सा अजीब लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे, तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, और वह आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में से खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल वापस आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। यहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से काफ़ी दूर था और रात्रि भी होने वाली थी, तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थकान भी लग रही है और भूख भी लगी है, हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से आगे का सफ़र करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कोई ज़रूरी सामान देना है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खाना खा लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में से धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि यह महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बात पर कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर में आपको मिलता हूँ, मुझे इस गांव में भी कुछ ज़रूरी काम है, मैं काम करके आपसे आगे मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बलिक वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि अब वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ, उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे शंका नहीं होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों का प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे मिलने तुम जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी
तुम ही बनोगे? यह बात सुनकर पंडित सहमसा गया। पंडित सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में यह यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी। मेरे कारण मेरे बचपन का सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे मित्र से मिलने ना जाने से नियति बदल नहीं जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले ही कुछ क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसकी मन की बात जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो पंडित को विश्वास हो गया था कि महाकाल सचमुच यमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए पंडित पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसी की ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा था। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज था, इसीलिए ना तो वह पंडित के पास पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज़ दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक पहुंच ना सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसीलिए हृदय आघात के कारण तुम्हारा मित्र की मृत्यु हो गई। क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए वह तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी ही थी तो तुम शुरू से मेरे साथ ही क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने, समझने और देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल का पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्म कांड करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर
दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है, तो पंडित ने भी किया। पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी ख्याति उस राज में राजा तक थी। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाता है और उसने वहां जाकर राजा को सारा कहानी सुनाया। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज में जाएगा। यदि वह दूसरे राज में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी ठीक लगी। बहुत सोच समझकर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के कारण स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसीलिए उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। अंत राजा किसी वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और जेल से निकलकर अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज की सीमा के बाहर दूसरे राज में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज के राजमहल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम पहर होने के कारण नींद में थे और वह पंडित सीधे राजा के स्नान कक्ष में पहुंच गया जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहां पंडित भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे कि राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज में और राजा के स्नान कक्ष में वह पहुंचा कैसे, लेकिन वहां यह सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही क्रोधित होकर पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म किया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, फिर भी कुछ हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि मैं यह नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा। यह भी नहीं जानता हूं कि मैं आपके स्नान कक्ष में कैसे आया और आपके राज के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच में होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी ही है, तुम कहना क्या चाहते हो। राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने महाकाल से मिलने की कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या किसी भी समान व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के स्नान कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का
बहाना बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसे कि तुम्हें महाकाल ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत ही सैनिकों के हाथ से दूसरे राज के राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। दूसरे राज के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा के महल में था। कल राजा इनसे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज में यह कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसीलिए उस राज के राजा के अनुसार पंडित को फांसी देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई है, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अगर दंड फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दें, इससे आपका कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा, उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना ही पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसीलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसे कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया। लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुफकार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरे तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरते, जितना भी उपाय कर ले, लेकिन हर समय घटना और घटने की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर ढंग से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता, तो 6 महीने राजा की कैद में डर डर कर जीने के बजाय ज़्यादा बेहतर जीवन जीता।